संडे राइड तो बनती है इसके लिए। सुबह 4:30 बजे उठ चुका हूँ और राइड पे जाने के लिए रेडी हूँ, बट बारिश का मौसम है तो पता नहीं कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी। तो वाटरप्रूफ कवर लिया है कैमरा के लिए, मैं गिल्ला हूँ उससे ज़्यादा मुझे कैमरा की फिकर रहती है, तो वाटरप्रूफ कवर लिया है। तो होपफुली कि बारिश ना आए तो अच्छी बात है। और बाकी अभी बजे 5:30, तो 6:30 बजे का मीटिंग पॉइंट है और फ्लैग ऑफ भी 6:30 बजे होएगा। तो 1 घंटे बाद सीधा मैं मिलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि लोगों से मिलना है। ये तो क्या सुबह सुबह जल्दी बनाना पड़ता है, तो आप लोगों को पता चले कि इतना बजे सुबह उठ के मैं जा रहा हूँ। और आप देख रहे हो पूरा मैंने ये अपना क्या बोलते हैं राइडिंग गियर रहता है वो पहना हुआ है। देख लो ये जैकेट है, ये पैंट है और ये शूज़ है। तो आज आपको पूरा मैं दिखूँगा राइडिंग गियर में। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाई दूँ कि मेरे पास राइडिंग गियर कौन सा है और कैसा लगता हूँ, क्योंकि आज तक आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो देख लो प्रॉपर। और मेरे साथ जो राइड करने के लिए आने वाले हैं वो लोग ने भी सेम ड्रेसअप किया हुआ है और वो लोग मेरा वेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट चलता हूँ उनसे मिलता हूँ। जब मैं घर से निकला था तो मैंने जैसे आपको बोला था कि लोगों से मिल के बाद में मैं आप लोगों से बात करता हूँ, बट ऐसा हो गया कि खतरनाक बारिश आई और सब लोग लेट भी आ गए बारिश की वजह से। तो डायरेक्ट राइड स्टार्ट की और बाद में बारिश में तो मैं कैमरा निकालता नहीं क्योंकि मैं डरता हूँ। बट सीधा हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए और ब्रेकफास्ट हम लोग ने जैसे अभी कर लिया है और यहाँ से अभी बाजू में एक लेक है वहाँ पर जा रहे हैं। तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है तो मैं वो लेक दिखा दूँगा आप लोगों को। और ये जो बाइकिंग ग्रुप है ये ग्रुप के साथ मैं फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ। मैं एवरी संडे जब भी आता हूँ राइड पे तो हमेशा अलग अलग ग्रुप ट्राई करता हूँ, तो पता चले कि लोगों का नेचर कैसा है और क्या कौन सी बाइक चलाते हैं और क्या थिंकिंग रखते हैं इन सब कुछ। अरे आ गया वो। अच्छा आ गया वो, क्या बात कर रहे हो। आ गया भाई, कैसे पता चलेगा। एक काम करो ये लो मैं चालू करके ही दे देता हूँ, भले एक बैटरी पूरा जाएगा, नो इशू। खाली पकड़ के ऐसे पकड़ा बस। खुद खड़े रहोगे तो ऐसे खड़े रहना क्योंकि डंडी मैंने सेट किए हैं। देखो इधर आओ, ये चालू करके दिया देखो, ठीक है। अगर ये जाएगा ना तो खाली टैप करना है तो लाइट आएगा वापस, हो गया। मैं पुलिस खड़े रहने नहीं दे रही इसलिए अभी सब लोग वापस फटफट जा रहे। देखो मतलब अभी कोई बाहर निकलना तो भाई सोच समझ के निकलना, क्योंकि क्या बोलते हैं वापस महाराष्ट्र सरकार ने 144 कलम लगा दिया ना, इसलिए बंद करवा दिया सब ऐसे डैम वैम। तो वापस घर पे चले जाओ, कोई बाहर ऐसे घूमने निकलना नहीं, निकलना है तो खाली हाईवे पे राउंड मारो, ब्रेकफास्ट करो और घर चले जाओ। ये देखो सामने पुलिस वाले भाई साहब है डंडा लेके, बोल रहे चले जाओ चले जाओ, रुको मत। तो अभी हम लोग चल रहे, देखो सबको बाहर है, ऐसा नहीं कि मुझे अकेले को, सबको। ये मैं दूसरे डैम पे आया था, पहले भी एक डैम पे गया था वहाँ पे भी बंद था, तो मेरा चलो कोई बात नहीं उधर का वीडियो नहीं बताएंगे, दूसरे डैम पे जाके वहाँ का वीडियो बताएंगे। बट दूसरा डैम भी बंद था तो भाई वीडियो निकाल नहीं पाया, खाली आपने जैसे देखा राइडिंग ही कर रहा हूँ तो राइडिंग वाला ही मोटो व्लॉग आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बता रहा हूँ। मेरी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार वीडियो बताऊँ अलग अलग, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सो सॉरी गाइस।
थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। कार वाला है ना, हम लोग से पूछ रहे हैं यार यहाँ पे आजू बाजू में कहाँ पे जा सकते हैं। हम लोग बोले ऑलमोस्ट सब बंद है, आपको जाना है तो जाके ट्राई करो। तो बोलते हैं नहीं यार अभी बीच पे ही जाते। तो वो लोग अभी बीच में जा रहे हैं, जैसे वर्सोली बीच है, कलवा बीच है, या जो भी आजू बाजू के बीच है वहाँ पे जा रहे हैं। देखो ये कार वाला भी घूमने आया था बेचारा, बट पोपट हो गया। तो मुझे ये कहना था कि मैं सिनेमेटिक शॉट ज़्यादा दिखा नहीं पाया, सिर्फ जो बाइक के मैंने वीडियोस निकाले वो ही दिखा पाया, बट आप मेरी मजबूरी समझते रहोगे क्यों, तो सॉरी बोलना चाहूँगा खाली के मजबूरी को समझो और सपोर्ट करो भाई को यार। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वांद्री लेक वाली वीडियो ना देखी हो तो जाके देखो, और रो रो फेरी अलीबाग गया था वो वाली भी ना देखी हो तो देखो, एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा या आई बटन पे, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसमें तो बहुत सारे सिनेमेटिक शॉट लिए थे यार, और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, तो जो मेरी करंट अपडेट रहती है या फोटोग्राफी रहती है वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ क्या स्टेटस है मेरा। बोलते ना यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूँ उससे पहले आपको इंस्टाग्राम पे ही पता चल जाएगा कि क्या स्टेटस है बाहर का। हाँ बाकी ये बोलो संडे राइड रहती है तो यार बाइक चलाने में मज़ा आती है, थोड़े ये राइडिंग वाले लोग के रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता चलते हैं, और जैसे मैंने बताया मैं अलग अलग ग्रुप के साथ जाता हूँ तो लोगों की नेचर भी पता चलते हैं, और बोलते ना अलग अलग फील्ड से आते तो वो भी कांटेक्ट बन जाते, तो कभी बोलते ना जो रियल लाइफ रहती है उसमें काम आता है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में काम आता है सब, कि हाँ भाई कॉन्टेक्ट बन गए, चलो काम धंधा मिल रहा है, पहचान बनी, बहुत अच्छी चीज़ है। ये दफ़े जो भी मेरे साथ ग्रुप आया था बाइक राइडिंग के लिए, सब लोग ने XDI के कपड़े पहने हुए। दूसरे ग्रुप में राइनोस के थे बट इसमें XDI है, मैंने भी XDI का पैंट और जैकेट पहना हुआ है, शूज़ है वो भी XDI का ही है। XDI का जैकेट पहनने में मज़ा तो आती है क्योंकि कलर बहुत अच्छा लगता है, बट जब तक नया रहता तब तक, बट जैसे ही आप उसको कंटिन्यू बहुत सारी राइड में पहनते तो गंदा हो जाता है क्योंकि वाइट कलर है, तो तब थोड़ा डर लगता है। इसके लिए ज़्यादातर राइडर लोग ब्लैक कलर का सूट पहनते हैं, मतलब ब्लैक कलर का पैंट, ब्लैक कलर का जैकेट ज़्यादातर।